हेलो दोस्तों, दिस इज़ अ शिक्षा उपाध्याय. वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग. हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू. बीच में कुछ समस्याओं के कारण मुझे ब्रेक लेना पड़ा था 2 दिन का, तो मेरा क्लास रेगुलर नहीं हो पाया था. फिर से आज मैं अपना क्लास कंटिन्यू करती हूँ और एक नए टॉपिक के साथ. आज का नया टॉपिक है 2 फलनों की गुणनफल का अवकल गुणांक. मतलब अगर 2 फलन दिए गए हैं तो उनका अवकल गुणांक कैसे किया जाएगा. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. तो आज का मैं अपना टॉपिक लेती हूँ 2 फलनों का अवकल गुणांक. 2 फलनों का अवकल गुणांक, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस. इतना बराबर होता है प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक. जैसे अगर क्वेश्चन में 2 फलन रहता है तो उसमें लिया जाता है प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकल गुणांक. जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, सरल रहेगा. y इज इक्वल टू हम लेंगे x e की पावर x. तो इसका हम डिफरेंशियल, ये पहला क्वेश्चन है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फलन. तो फर्स्ट फलन जो है हमारा x है इंटू e की पावर x द्वितीय फलन का अवकल गुणांक d अपॉन dx e की पावर x प्लस e की पावर x यानी कि द्वितीय फलन हो गया, फिर इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक d अपॉन dx इंटू x. जैसा कि सूत्र में ये सूत्र हम बता दिए हैं ऊपर, तो इसमें प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक. y बराबर x की पावर ex पहला क्वेश्चन है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे dy वाई अपान डी एक्स हो जाएगा और इधर x और फिर दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन और फर्स्ट फलन का अवकल गुणांक. अब इसका हम डिफरेंशियल ले लेंगे तो x इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस e की पावर x और प्लस इंटू एक, तो फिर हो जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x. अगर इसमें हम e की पावर कॉमन ले लेंगे, e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो हमें x प्लस एक बच जाएगा. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है x की पावर n e की पावर x प्लस a की पावर x sec x. इसमें भी यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक. अब x की एंड इसमें y बराबर, अब dy वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फलन और द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन फर्स्ट फलन का अवकल गुणांक. अब बीच में प्लस का मार्क है तो वही बीच में प्लस का मार्क लगा देंगे. फिर फर्स्ट फलन इसी प्रकार फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, a की पावर x d अपान डी एक्स sec x प्लस sec x d अपान डी एक्स a की पावर x. अब इसका हो जाएगा x की पावर n e की पावर x प्लस e की पावर x, इसका हो जाता है n x की पावर n माइनस वन. हम इसका फार्मूला पहले भी बता दिए थे कि अगर x की पावर n होता है तो इसका हो जाता है n x n माइनस वन, यही हो जाता है. तो यही इसके साथ पर ये हो जाएगा प्लस a की पावर x को ऐसे उतार लेंगे, फिर sec x का होता है sec x इंटू tan x, फिर प्लस a की sec x फिर प्लस होता है प्लस sec x उतार लेंगे वही, फिर a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e. और फिर इसमें हम ले लेंगे x पावर m e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एन एक्स पावर m माइनस वन प्लस a की पावर x कॉमन ले लेंगे a की पावर x sec x, तो हो जाएगा tan x प्लस a की पावर x log a बेस e, log a बेस e.
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो सकता है एक्स की पावर एन, अगर हम इसमें एक्स की पावर एन भी कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स पावर ई की पावर ई की पावर एक्स भी कॉमन है और इसमें एक्स पावर एन भी कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे ई की पावर एन एक्स इंटू एक्स की पावर एन, तो यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ प्लस ई एन और एक्स की पावर माइनस वन यानी कि ई एन अपान एक्स प्लस ए की पावर एक्स सेक एक्स ब्रेकेट में टेन एक्स प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी, ये हमारा आंसर फाइनली आंसर आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें लेंगे वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग एक्स बेस सी टेन एक्स, इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड फिर मानेंगे, इसमें हम फर्स्ट इतने को मान लेंगे और सेकेंड इतने को मान लेंगे, हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेसी डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेसी, अब ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेसी यही हो जाएगा, फिर टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स का यही हो जाएगा, अब फिर इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड में फिर मान लेंगे तो ब्रेकेट लगा देंगे ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स का कर देंगे तो हो जाएगा वन अपान एक्स इंटू में प्लस लॉग एक्स ले लेंगे, फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, और फिर बाद में ब्रेकेट खोल लेंगे ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस सी सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस टेन एक्स इंटू लॉग एक्स ई की पावर एक्स, इतना हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सरल है, आसान है, आप लोग बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मैथ में हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों का ये आसान होता जाएगा, उतना हम लोगों को आगे समझ में आएगा। और फिर हम दूसरा फिर तीन क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस थ्री ए की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए, इसमें फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे, ये फर्स्ट मान लेंगे ये सेकेंड, इसमें फर्स्ट ये हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा लॉग एक्स बेस ए, फिर उसके बाद हम y इज इक्वल टू डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉमन ले लेंगे यानी कि ब्रैकेट बाहर कर देंगे e की पावर x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स e की पावर x एक ब्रैकेट में प्लस, यहाँ प्लस लगा था वही प्लस, तो उसके बाद थ्री कॉमन हो जाएगा इसमें से e की पावर x टी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए डी अपॉन डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स ये हो जाएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे टू ई की पावर एक्स उतार लेंगे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए की पावर एक्स प्लस थ्री ए की पावर एक्स लॉग एक्स का हो जाता है वन बाई एक्स